بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, क्या हाल हैं आपके? ठीक हैं कामरान भाई, बस मैं अभी आज आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपके सेशंस की मदद से मुझे कितनी असिस्टेंस मिली है डेली बेसिस के ऊपर, जो पहले मैं ख़ुद एक अपने आप से अपने दिमाग के साथ, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि आपकी डेली अपने साथ एक जंग चल रही होती है, लड़ाई चल रही होती है. तो आप से जब से मैंने बात करना स्टार्ट की है तो उससे मुझे इतनी एक अपनाइयत एक आपके साथ मिली है, और एक ऐसा मतलब एक ऐसी नई फीलिंग डेवलप हुई मेरे अंदर, जिससे मुझे यार हौसला मिला कि मैं अपने आप के साथ लड़ाई कर सकता हूँ. क्योंकि मुझे याद है कि आपसे बात करने से पहले तक जो मेरी फीलिंग ये होती थी कि मैं अपना आप छोड़ देता था जब मुझे पैनिक अटैक होता था, और मैं एक बेबसी की एक कैफियत आ रही हो जाती थी और कुछ पता नहीं होता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है. तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपसे बात करने के बाद अंडरस्टैंड हुई. इवन अब ये मेरी ये सिचुएशन है कि अब जब मुझे पैनिक अटैक आता है तो मैं ख़ुद पे फौरी तौर पे कंट्रोल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है ये मेरी ही बनाई हुई थॉट्स हैं और मेरी ही बनाई हुई थॉट से जो है ये पैनिक अटैक कंट्रोल हो सकता है. और फिर आपने मुझे सिखाया, आपकी बातों से काफ़ी मैं जो है वो सीखा हूँ, और क्या चीज़ सीखा हूँ कि कैसे इन सोचों को ख़ुद पे हावी नहीं होने देना, और काफ़ी चीज़ें हैं. अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काफ़ी हद तक मैं बेहतर हूँ, सोशल एन्जाइटी मेरी काफ़ी हद तक बेहतर हुई है पहले से. और काफ़ी आपकी टिप्स ऐसी थी जिसने मुझे सोशल एन्जाइटी में, अक्सर ऐसा हुआ है कि मैं गया हूँ बहुत ख़ुद को समझा के पहुँचा हूँ जगह पे, लेकिन मुझे सोशल एन्जाइटी स्टार्ट हो गई है. फिर मैंने अपने माइंड में रिवाइंड करनी बातें स्टार्ट की कि आपने मुझे क्या टिप्स दी थी सोशल एन्जाइटी के लिए, और उनको मैंने फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा.